सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है। इन्फिनिक्स S5 प्रो जो है वो फाइनली डेब्यूट हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों, इस स्मार्टफोन के लॉन्च होने के बाद दोस्तों जो है इन्फिनिक्स अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, जिस पर मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं। और यहाँ पर दोस्तों, इन्फिनिक्स का जो S6 का मॉडल है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। आज दोस्तों हम बात करेंगे इसके लुक और डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि दोस्तों जो इन्फिनिक्स S6 एंड S5 है, जैसा कि आपको पता है, इन्फिनिक्स S5 जो है वो डेब्यूट हो चुका है पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि इन्फिनिक्स S6 जो है वो कैसा होने वाला है। तो आज हम दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और सबसे पहले बात करेंगे इन्फिनिक्स S6 के लुक और डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ चल रही है कि इन्फिनिक्स का जो S6 का मॉडल है वो हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन्फिनिक्स ने जो है अपना S5 का मॉडल जो है वो लॉन्च कर दिया है पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों, S5 जो है वो पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ ही लॉन्च होगा, लेकिन इन्फिनिक्स S6 है वो हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों, जो कन्फ्यूजन बहुत से लोगों के माइंड में आ रही है वो मैं दूर करने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों, इन्फिनिक्स S6 को लेकर जो लुक और डिज़ाइन तैयार किया गया है, उसमें हमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है इनोवेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इन्फिनिक्स S6 में हमें जो है बिल्ट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट का फीचर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही में दोस्तों फ्रंट पर आपको ड्यूल पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इसका असल रीज़न यह है कि इन्फिनिक्स S5 प्रो में जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा जो है फाइनली इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इसके रैम और वेरियंट के बारे में। तो रैम वेरियंट दोस्तों, यहाँ पर जो इसका निकल कर आया है वो है 8 GB रैम एंड 128 GB मेमरी। S5 प्रो में दोस्तों जो है हमें 6 GB रैम एंड 128 GB का वेरिएंट देखने को मिला है, और यहाँ पर दोस्तों हमें 8 GB रैम एंड 128 GB का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हमें जो है 32 MP का फ्रंट कैमरा एंड 48 MP का बैक कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर हमें जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर हम इसकी प्राइस और रिलीज डेट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, पाकिस्तान में इसकी प्राइस होने वाली है तकरीबन 28,000 रुपया, और इंडिया में तकरीबन दोस्तों 11,000 रुपये की प्राइस सेगमेंट में ये हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके रिलीज़ डेट के बारे में। तो फाइनली दोस्तों, 18 तारीख को जो है 18 फरवरी को इन्फिनिक्स S5 प्रो जो है वो डेब्यूट होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों, अभी तक इसका फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन्फिनिक्स की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो इन्फिनिक्स S6 की डेट बताई जा रही थी वो Q2 में है, यानी कि Q2 में ये स्मार्टफोन जो है लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, मैंने लुक और डिज़ाइन तो आपको जो है वो बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर और चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है हीलियो P25 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है, इन्फिनिक्स S5 प्रो में हमें जो है हीलियो P22 का चिपसेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें हीलियो P25 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, और साथ ही में 2.83 GHz का ऑक्टाकोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम जो है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की काफ़ी बढ़िया गेमिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन को लेकर आपकी क्या राय है, आपने जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।